अगर आप एक ठेस पहाड़ी हो तो आपको तो ये पता ही होगा, जाड़ों के मौसम में यहाँ पे पहाड़ों में गरम गरम खाना खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। जहाँ पे आ जाती है मडवे की रोटी, अगर उसके ऊपर घी लगा दिया जाए गरम गरम रोटी के ऊपर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और साथ में अगर उसके मिल जाए हरी सब्जी, चाहे वो लाई की हो चाहे पालक की हो, वो भी एक लाजवाब स्वाद देती है। और अगर एक पहाड़ी को झोली भात मिल जाए तो भाई उसका तो पूरा दिन ही बन जाता है। और भटके डुबके एक अलग ही काम करते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने का। और खट्टी मीठी सी एक चटनी, जिसको हम भांग की चटनी भी कहते हैं, वो भी एक अलग ही स्वाद आपके जीभ को प्रदान करती है। तो ये सब कॉम्बो आपको मिल सकता है हल्द्वानी के अंदर। है कि भाबर क्या होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर ज़रूर से कमेंट करना। वो भाबर के अंदर आए हो तो भाबर में ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को कवर करेंगे। भाबर के अंदर आपको खिलाएंगे एक पहाड़ी व्यंजन, जिसको देखकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, जिसको देखकर आप जल्दी से ये खाना खाने के इच्छुक हो जाएंगे। तो चलिए हम यही वार्तालाप करते हैं अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करना है और उत्तराखंड के खाने को प्रमोट करना है, तो हल्द्वानी के अंदर ये सब चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तो मैंने यहाँ पे ढूंढ निकाला है पहाड़ी खाना। आपको यहाँ पे ऊपर पहाड़ी खाना नाम का एक रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल रहा है, या छोटी सी एक शॉप देखने के लिए मिल रही है। इन्होंने 3-4 महीने ही एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई हम पहाड़ी फूड को थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाएंगे, और लोग रियली पहाड़ी फूड खाने के लिए ना पहाड़ लाइन में जाते हैं। तो हम आपको हल्द्वानी के अंदर ही ये जो है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भैया से पूछता हूँ, भैया आपने जो है दुकान कितने टाइम से खोली थी, और आपको लोकेशन भी बताऊँगा। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल। राहुल है जी। पूरा नाम क्या है? राहुल राज है। राहुल राज। राहुल राज जी, तो आपने ये जो शॉप है कब से खोल रखी है? अभी 4 महीने हमें हो गए हैं। 4 महीने हो गए हैं। तो किस तरीके से आपने सोचा कि भाई मैं जो है ये शॉप जो है? देखिए, मैं अगर हल्द्वानी की बात करूँ तो मैं भी बागेश्वर से आता हूँ। हाँ। तो पहाड़ी खाना खाने का मेरा भी काफ़ी मन होता था। अच्छा। लेकिन हल्द्वानी में मिलता नहीं था। अच्छा। तो मैं भी यहाँ पर, मुझे 2 से 3 साल हो गए थे, तो मुझे लगा यार मिल नहीं रहा है हल्द्वानी में, मेरे जैसे और भी हैं जिन्हें खाना है पहाड़ी खाना, हम भी पहाड़ से हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि मुझे हल्द्वानी में पहाड़ी खाना कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे आपके पास रिटर्निंग कस्टमर कितना है, और आप रोज का पहाड़ी खाना कितना बनाते हैं? सर देखिए, 70-80% अभी रिटर्न कस्टमर है मेरे पास। अच्छा। और अगर मैं डेली की बात करूँ तो 30 से 35 साल, अभी मेरे अभी ऑफ सीजन है, बल्कि गर्मियाँ अभी शुरू होने वाली है, तब मेरी 30 से 35 साल जो है निकल चल रही है। और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बिकने वाला मेरा अभी जो है पहाड़ी थाली, पहाड़ी फूड है। जो जोमेटो जोमेटो या स्विगी के अंदर, हाँ, जो पहाड़ी फूड ही बिकता है। हाँ, मोस्टली। तो आपकी जो पहाड़ी थाली है उसका अमाउंट क्या है? अमाउंट मेरा 100 रुपीज़ मेरी पहाड़ी थाली का अमाउंट है। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? उसमें हो गया भटके डुबके, कड़ी और चिकड़ी हो गया, और मडवे की झोली भात, झोली भात, झोली भात मिलता है, और हरी सब्जी हो गया। हरी सब्जी सीजनल वाइज जो भी हरी सब्जी हमारे पास अवेलेबल होती है, पालक है तो पालक, हाँ अभी पालक है तो पालक, चौलाई होगी तो चौलाई, और कभी भटकी डुबकी मिलते हैं उसमें, कभी भटकी चुटकानी मिलती है। तो अभी अंदर किचन में क्या क्या बन रहा है? मतलब किचन में भटके डुबके हैं, और झोली भात है, झोली रेडी है हमारी, और मडवे की रोटी भी बन रही है। ठीक है, चलो जी, आप किचन में दिखा सकते हो कि कैसे मेकिंग प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे हमें बहुत यूज वैरायटी देखने के लिए मिल रही है, अलग अलग वैरायटी जो पहाड़ी फूड में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो झोली देखने के लिए मिल रही है। एक बार मैं आपको जो है इसको दिखा देता हूँ, बढ़िया से देखिए, ऊपर से तड़का मारा हुआ है, और यहाँ पे आपको भूटी हुई मिर्च देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे प्रॉपर जो है वो तेल भी बाहर निकल गया है गर्म होने के बाद। अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए आपको भटके डुबके देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बार आंटी इसको दिखा सकते हो भटके डुबके, क्योंकि मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए भटके डुबके भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवेरे से रेडी होते हैं, तो यार अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ आपको हल्द्वानी के अंदर ये सब चीज़ खाने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, हैंड टू हैंड तुरंत यहाँ पर आटा गूंदा जाता है मडवे का। तो यहाँ पर आपको गेहूँ का आटा देखने को मिल रहा है, और जो डो रखी हैं वो मडवे की आटे की डो है, तो इससे तुरंत यहाँ पे हमारी जो है मडवे की रोटी तैयार होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें रायता देखने के लिए मिल रहा है, और जो है ये पहाड़ी चटनी, ये किसकी चटनी है भैया? भांग की चटनी है। तो यहाँ पे भांग की चटनी भी है, और यहाँ पे थोड़ी सी हरी सब्जी भी आपको देखने के लिए मिल रही है, कस्टमर की डिमांड्स को लेकर यहाँ पे बनती रहती है। तो एक बार यहाँ पे जो है आंटी से मैं पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ पे कब से जो है ये खाना बनना चालू होता है? आंटी आपका नाम क्या है? राधा देवी। राधा, कितने बजे से बनाते हो आप लोग पहाड़ी खाना? लगता है 8 बजे। 8 बजे से? 8 बजे से लगता है। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है? भटके डुबके, झोली,
हरी सब्जी रायता। ठीक है, और इसका मतलब प्रॉपर थाली में इसको बना के सजा के देते हो आप? हाँ, सजा के थाली में लगते हैं। तो बेसिकली आंटी अभी बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो प्रॉपर पहाड़ी में बोलती हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी जो है हमारी मडवे की रोटी बनने के लिए रेडी हो रही है। आंटी, मडवे की रोटी आप बना के दिखा सकते हो? कौन बनाएगा? अच्छा, आप बनाओगे मडवे की रोटी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मडवे की रोटी देखिए आपको बनते हुए दिख रही है। तो ये देखिए, प्यारे प्यारे हाथों से यहाँ पे मडवे के डो को प्रॉपर गोल गोल तरीके से बनाया जा रहा है। और हल्द्वानी के अंदर यार ये फूड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये भैया ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि भाई यहाँ पे पहाड़ी फूड को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, तो हम भी इनकी हेल्प करेंगे और यहाँ पे पहाड़ी फूड को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। तो आप देखिए कितने प्यारे प्यारे हाथों से यहाँ पे मडवे की रोटी जो है वो तैयार की जा रही है। तो भैया, ये मडवे की रोटी रेडी हो गई? जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो है इसके ऊपर तवे के ऊपर रख दिया है मडवे की रोटी। और ये इसके ऊपर ये फॉइल पेपर की चढ़ाया था? ये चिपके ना हाथों में। अच्छा, आराम से। अच्छा, चिपके ना और ये डायरेक्टली बन जाए इसी तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी मडवे की रोटी जो है बनने के लिए रेडी है। बहुत छोटी रोटी है, कोई बात नहीं, और जैसे जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से जो है यहाँ पे बनते रहती है। आपको मडवे की रोटी जो है बनते हुए अभी दिख रही है। अब भैया, इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? जैसे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आपने एक साइड से पलट दिया है, दूसरे साइड से भी। अब इसको जो है गैस में भी फुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको गैस में भी फुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप मडवे की रोटी अभी जो है वो देख सकते हो, और उसको ऊपर से प्रेस किया जा रहा है कि भाई अंदर तक जो है मडवे की रोटी जो है अभी पक जाए। तो देख, तो गाइज अब देख सकते हो आप जो है मडवे की रोटी गैस के ऊपर बन रही है। बट ये बेसिकली गैस के ऊपर तो बनती है नहीं, चूल्हे के ऊपर ही बनती है। बट यहाँ पे अभी चूल्हा अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी इसको गैस के ऊपर बनाया जा रहा है। तो भैया ने जैसे कि बोला 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे। और बगल में आप देख सकते हो कढ़ी यहाँ पे रखी हुई है, बहुत अच्छी। यहाँ पे यार मेरे को कढ़ी मतलब झोली भात जो लगता है ना वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जो प्रॉपर झोली होती है आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार, तो ये जो झोली है प्रॉपर झोली जैसी लग रही है। और साथ ही में हमारी जो है मडवे की रोटी अभी गरम गरम यहाँ पे बन रही है। भैया, एक थाली के अंदर कितनी आती है मडवे की रोटी? दो मडवे की रोटी आती है। क्या प्राइस बोला था आपने इसका? थाली का प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये जी। देखिए, प्राइस भी डिसेंट है, और यहाँ पे 100 रुपये के अंदर मडवे की रोटी, झोली, और आप भटके डुबके, और सीजनल के ऊपर यहाँ पे आपको सब्जी भी देखने को मिलती है। जो कभी कभी आपको लाई की सब्जी देखने को मिलती है, पालक या चौलाई जो भी होती है सीजन के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अभी हमारी रोटी जो है वो रेडी हो गई है, और यहाँ पे इसको हमारी प्लेट के ऊपर सर्व किया जाएगा। और मैं आपको जो है फिर बाहर मिलता हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे इसका टेस्ट होता है, कितना डिलीशियस टेस्ट होता है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है कि भाई जिस हिसाब से यहाँ पे भी जो बन रही थी, और हम बाहर जाके टेस्ट करेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हमारी जो पहाड़ी थाली है उसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको थाली जो है वो रेडी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे हरी सब्जी है, चावल है, और भांग की चटनी है, और ककड़ी है, और साथ में यहाँ पे आपको कढ़ी देखने को मिलती है, इसको झोली भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको जो है भटके डुबके मिल रहे हैं, जिसमें घी यहाँ पे ऊपर आपको तैरते हुए नज़र आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम बाहर ले जाते हैं। भैया, रायता भी होगा इस पर? रायता साइड से अलग से मिलता है या अलग से मिलता है? तो रायता किसका है? ककड़ी का है। एक बार दिखा सकते हो? तो गाइस, यहाँ पे आप देखिए भैया जो है रायता भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्रॉपर ककड़ी का रायता है ना, जो बाजार में पानी पानी वाला रायता वो ना, ना 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 ककड़ी का रायता है, प्योर रायता है, और पहाड़ी रायता होता है। बिल्कुल पहाड़ी रायता। अच्छा, तो प्रॉपर जो है पहाड़ी रायता होता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार कुमाऊनी थाली की जो है वो दिखाई हुई है, बट जो रायता है ना ये एकदम अलग टेस्ट देता है। अगर इसको आप राई में डाल के रात को फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए, जितने दिन पुराना होगा उतना उतने मतलब झम कर देगा आपके मुँह को, और अलग ही स्वाद देगा। तो चलिए अब मैं इसको बाहर लेके चलता हूँ, पूरा एक बार थाली टेस्ट करता हूँ कि भाई थाली का टेस्ट कैसा है। तो चलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे थाली लग के रेडी है, जहाँ पे आपको भटके झटके देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें ऊपर से घी जो है वो तैर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी मडवे की रोटी है इसके ऊपर भी घी जो है वो लगाया गया है, और ये हमारा जो है राइस है, और यहाँ पे आपको सब्जी, भैया किसकी सब्जी है ये? पालक की सब्जी है। तो पालक की सब्जी देखने के लिए मिल रही है, और ये अनोखी चीज़ आपने खाई होगी नहीं खाई होगी, पता नहीं आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, तो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर आपने भांग की चटनी खाई है नहीं खाई है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर मेरे हिसाब से मैंने खाई है। बाहर मैं कहीं गया हूँ तो मेरे को यहाँ पे भांग की चटनी देखने को नहीं मिलती है, प्रॉपर भांग की चटनी है। कभी इसकी मेकिंग प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ जो मैं दिखा दूँ, ये है हमारी झोली, जो आपको ये झोली देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो रायता है वो देखने को मिल रहा है, जो है ककड़ी का रायता, जिसको हम खीरा भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे दही वगैरह डाल के इसमें राई का बघार दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं एक बार आपको जो है ये रोटी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए,
जहाँ पर प्रॉपर घी लगा हुआ है। इसको पहले हम एक बार टेस्ट करेंगे अपनी हरी सब्जी के साथ कि भाई इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, और साथ ही साथ हल्का सा डिप करेंगे इसको अपनी झोली के ऊपर प्रॉपर ऑथेंटिक पहाड़ी स्टाइल में। इसको आप पहाड़ का बिस्कुट भी कह सकते हो, जो प्रॉपर टेस्ट अलग ही देता है। अगर आप इसको सवेरे उठ के खाओ, अगर ये बासी भी होना तो आपको ऐसा प्रॉपर बिस्किट का टेस्ट देता है। गाइस रियली ये जो टेस्ट होता है प्रॉपर पहाड़ का है, और यहाँ पे भी मेरे को वही टेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कोई ऐसे मजाक नहीं दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। रियली टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि हर सब्जी का जो सब्जी है प्रॉपर पहाड़ी स्टाइल में बनी हुई है। अभी हम आपको भटके डुबके टेस्ट करके दिखाएंगे। और जो हमारी ये जो भांग की चटनी है, आप यहाँ पे एक बार देखिए, एक बार नज़र यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये देखिए भांग की जो चटनी है, ये एकदम नेक्स्ट लेवल का स्वाद जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब डुबको को थोड़ा सा यहाँ पे चावल के साथ हमने डाल दिया है, वरना आप इसको ऐसे भी खा सकते हो प्रॉपर। ये देखिए ऐसे भी आप इसको ले सकते हो। रियली गाइस एकदम अलग स्वाद देता है। और कड़ी भी मिला दी है हमने, और कड़ी को हम यहाँ पे एक बार देखिए चावल के साथ ले जा रहे हैं। जो कड़ी के अंदर खटासपन होता है ना पहाड़ में, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। रियली आपने खट्टी कड़ी खाई होगी, नहीं खाई होगी पता नहीं, ये उतनी भी खट्टी नहीं है, बट हाँ एकदम खटासपन हल्का सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भटके डुबके ये देखिए वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल बने हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की कमी है, और 100 रुपये के अंदर हल्द्वानी में ये थाली मिलना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब नहीं मिल सकती है। अगर आप आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा, और भैया से बता दूंगा कि भाई कहाँ पे है, वैसे भी मुखानी रोड से अंदर साइड को पड़ता है, तो आप फॉलो कर सकते हो। और जोमेटो के अंदर भी हो तो जोमेटो को भी फॉलो कर सकते हो। भैया जोमेटो और स्विगी दोनों में है, ठीक है, जोमेटो और स्विगी दोनों में है, दोनों में आके आप ऑर्डर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बारी आती है हमारे रायता की। जो हमारा रायता है वो है ककड़ी का, खीरे का। अब इस रायते को भी हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भटका डुबका यहाँ पे डाल दिया, थोड़ी सी कड़ी डाल दी, थोड़ा सा यहाँ पे हमने डाल दिया किसकी चटनी थी, भांग की चटनी डाल दी, और साथ ही साथ हमने डाल दिया यहाँ पे हमारा जो है पालक और उसकी सब्जी, हरी सब्जी, ठीक है। बेसिकली हमारे लिए हरी सब्जी वो, हरी सब्जी मतलब जो पत्ते वाली सब्जी होती है, हमारे लिए हरी सब्जी वो है। बाहर हरी सब्जी बोलते हैं तो वो गिनाने लगते हैं मटर को, वो गिनाने लगते हैं शिमला मिर्च को, क्योंकि वो होती है हरी, तो इसलिए वहाँ उनके लिए वो हरी सब्जी है, हमारे लिए हरी सब्जी है भाई ये चीज़ है। तो मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ें एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए प्रॉपर कॉम्बो यहाँ पे अंदर 100 रुपीज़ आपको देखने। भैया जो घी पड़ा था ये सब में पड़ता है, मतलब अराउंड 100 रुपीज़ की जो थाली होती है सब। अच्छा भटके डुबके और मडवे की रोटी में सब में पड़ता है, जैसे कि भैया ने बोला कि मडवे की रोटी और भटके डुबके खाली कहीं हमें तो घी नहीं दे दिया या सभी को देते हैं, ऐसा भैया बोल रहे हैं। तो ठीक है आप आगे टेस्ट कर सकते हो। मैं फटाफट से थाली फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ भैया के साथ कि भाई ये शॉप जो है कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट कर दो, और इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में, जाके हमारे चैनल को फॉलो करो और हमारे साथ जुड़ो, हमारी कम्युनिटी क्रिएट करो और उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो प्रेजेंट करते हैं, धन्यवाद।